नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, CGPSC मेंस 2020 के आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन जो है पहला पेपर होता है अर्थशास्त्र, भारतीय भूगोल और छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित जो है सेक्शन रहते हैं, तीन भाग होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या इस बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला भाग जो होता है वो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इसमें जो है दो नंबर में आया है। पहला है पौनी पसारी योजना के क्या उद्देश्य हैं, दूसरा है निजीकरण एवं उदारीकरण में अंतर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का क्या लक्ष्य है, गैर निष्पादित अस्थियों से आप क्या आशय है, महानदी पर कौन सी सिंचाई परियोजनाएँ बनी हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST के तीन प्रकारों को समझाइए। अगला है वर्ष 2020-21 के छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लोक ऋण का प्रतिशत कितना है। तो ये रहे पूरे दो नंबर के। इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अगली जो भी तैयारी करें इस पेपर के आधार पर आप जो है आप कर सकते हैं, अगले मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए भाग दो से देख लेते हैं। भाग दो यानी कि भारतीय भूगोल से दो नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आया है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के पर्वत शिखरों का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन से हैं, पूर्वी घाट में कौन कौन से पर्वत शिखर आते हैं और पश्चिमी घाट में। महानदी अपवाह तंत्र का प्रारूप क्या है, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं, कुटीर उद्योग की विशेषताएँ लिखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब और क्यों बनी, लौह अयस्क के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब है भाग तीन से दो नंबर के सवाल, अलबका हिल का विवरण दीजिए, छत्तीसगढ़ के 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का उल्लेख कीजिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसलों का उल्लेख कीजिए, छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योग का संक्षिप्त विवरण दीजिए, छत्तीसगढ़ में गौड़ खनिजों के अंतर्गत किन खनिजों का उत्पादन किया जाता है। तो ये रहे भाग तीन से दो नंबर के क्वेश्चन। और भी हैं, छत्तीसगढ़ में पंचकोशी महादेव परिक्रमा कहाँ है, गौपद नदी कहाँ से प्रभावित होती है, बादल खोल अभ्यारण्य की विशेषता लिखिए। ठीक है, अब है खंड दो यानी कि चार नंबर के क्वेश्चन, देखते हैं भाग एक से क्या क्या है। भारत में नगरीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए, भारत में राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में क्या अंतर है, ग्राम पंचायत द्वारा कौन से कर एवं शुल्क अधिरोपित किए जाते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की गांधी न्याय योजना के उद्देश्य को समझाइए। अगला है भाग दो से चार नंबर के, भारतीय कृषि स्वरूपों पर जलवायु के प्रभाव का वर्णन कीजिए, भारतीय कृषि में श्वेत क्रांति के आयाम क्या हैं, आबूझमाड़ पहाड़ी की विशेषता लिखिए। अब है भाग तीन से चार नंबर के क्वेश्चन, देखते हैं मैकल पहाड़ी का विस्तार एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए, छत्तीसगढ़ के साक्षरता प्रतिरूप का वर्णन कीजिए, पेद्दा कृषि से आप क्या समझते हैं, छत्तीसगढ़ में नलकूप से सिंचित क्षेत्रों का वितरण समझाइए, लेमरू पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हो गए चार नंबर के। अब हैं आपके आठ नंबर के, भाग एक से है, केंद्रीय वित्त आयोग के प्रमुख कार्य बताइए, छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित सरकारी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य को समझाइए। तो ये हो गया आठ नंबर के भाग एक से। अब भाग दो से आठ नंबर के दो क्वेश्चन हैं, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भारत में चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए, अगला है भारत में ग्रामीण प्रवास के कारणों का विवरण दीजिए। ये हो गया भाग दो से आठ नंबर के। अब है भाग तीन से आठ नंबर के, छत्तीसगढ़ राज्य में वन संसाधन के उत्पादन एवं संरक्षण पर प्रकाश डालिए, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण बताइए, नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र में मोटे अनाज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये हो गए आठ नंबर के भाग तीन से। अब है आपका है दस नंबर के सवाल जो कि आता है भाग दो से, इसमें दो क्वेश्चन दिए होंगे, तुम में से किसी को आपको उत्तर देना होगा। तो पहला है उत्तर भारत के विशाल मैदान की विशेषता बतलाइए, या फिर भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का मूल्यांकन कीजिए। आपको इन दो क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। अगला है भाग एक और भाग तीन से जो है वो आते हैं पंद्रह नंबर के क्वेश्चन, इनमें भी आपको किसी एक को बनाना होता है। जैसे 17 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है भाग एक से, पहला है सतत विकास लक्ष्यों का वर्णन कीजिए, या फिर छत्तीसगढ़ बजट 2020-21 में व्यय के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। आपको इन दो प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना होगा, वो होगा 15 मार्क्स का। अगला है भाग तीन से उसी प्रकार, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। पहला है छत्तीसगढ़ में वन आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला क्षेत्र का वितरण बताइए। इन दोनों में से भी आपको किसी एक का उत्तर देना है जो कि 15 नंबर का होगा। इस प्रकार ओवरऑल अगर पेपर अगर हम देखें तो बहुत ही मीडियम रहा है,
काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जनरली हम लोग जो पढ़ते आते हैं प्री के लिए उसी आधार पे भी ये भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, थोड़ा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मेंस है। तो ये पेपर काफ़ी ठीक अच्छा रहा। इस वीडियो में इतना ही, इसका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।